वाली नौ दशमलव दो पार्ट वन वीडियो इस कक्षा में हम वृद्धि तथा ह्रास से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे पहला प्रश्न है सविता की मासिक आय साढ़े छह हजार थी उसकी आय में पांच प्रतिशत की वृद्धि हुई मासिक आय में कुल कितनी वृद्धि हुई और वृद्धि के बाद उसकी आय ज्ञात कीजिए आइए हल करते हैं इसे सबसे पहले सविता की मासिक आय तो यह दिया हुआ है सविता की मासिक आय बराबर यह है छह हजार पांच सौ रुपया आय में वृद्धि आय में वृद्धि कितनी हो रही है प्रतिशत में पांच प्रतिशत वृद्धि हो रही है तो अर्थात छ हजार पाँच सौ का पांच प्रतिशत उसकी आय जितनी थी उसमें पांच प्रतिशत हो रहा है अर्थात छ हजार पांच सौ का पांच प्रतिशत तो ये हो जाएगा छ हजार पाँच सौ और का, का अर्थ है गुना पांच प्रतिशत पांच बटा एक सौ तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो गया अब यह है पैंसठ गुना पांच आइए इसे गुना करते हैं पांच पच पच्चीस का पांच हासिल रहा दो पांच छत्तीस और दो बत्तीस तो ये हमारा वृद्धि हो गया तीन सौ पच्चीस रुपया तो आय में वृद्धि हमारा आ गया अब वृद्धि के बाद आय वृद्धि के बाद आए तो पहले इसकी आय थी कितनी 6500 और इसमें वृद्धि कितनी हो गई 325 दोनों को हम जोड़ देते हैं तो ये हुआ पांच आ, दो शून्य और दो दो पांच तीन आठ और ये तो ये हो गया छ हजार आठ सौ पच्चीस रुपये प्रश्न संख्या दो एक शहर की जनसंख्या दस हजार है यदि इसमें दो प्रतिशत वार्षिक रास हुई तो एक वर्ष बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए वार्षिक रास मतलब प्रतिवर्ष तो शहर की जनसंख्या है दस हजार तो एक वर्ष बाद जनसंख्या में ह्रास क्या होगा दस हजार का दो प्रतिशत आ, दस हजार का दो प्रतिशत अर्थात दस हजार गुना दो बटा एक सौ तो ये शून्य और ये शून्य ये शून्य और ये शून्य कैंसिल हो गया तो हमारा आ गया ये दो सौ अब रास के बाद रास के बाद हरास के बाद एक वर्ष के बाद अच्छा इसको कह सकते हैं एक वर्ष के बाद एक वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या तो पहले जनसंख्या थी दस हजार और हरास कितना हो गया एक साल के बाद 200 तो इसे ही 200 हम घटा दे रहे हैं तो यह हमारा आ जा रहा है 9800 तो एक वर्ष के बाद वहां की जनसंख्या हो जाएगी 9800 प्रश्न संख्या चार श्रमिकों की मजदूरी में पांच प्रतिशत वृद्धि होती है यदि उसका बढ़ा हुआ कुल मजदूरी दो सौ दस रुपया है तो प्रारंभिक मजदूरी ज्ञात कीजिए मान लेते हैं यदि प्रारंभिक मजदूरी सौ रुपया है तो मजदूरी में वृद्धि कितनी होगी पांच रुपया तो बढ़ा हुआ मजदूरी बढ़ा हुआ कुल मजदूरी अब हो जाएगा एक सौ पांच रुपया अब इसे एक एक नियम से हम हल करते हैं जब बढ़ा हुआ कुल मजदूरी एक सौ पांच रुपया है तो वैसी स्थिति में प्रारंभिक मजदूरी होती है सौ रुपया इसलिए जब बढ़ा हुआ कुल मजदूरी एक रुपया होगा तो प्रारंभिक मजदूरी क्या हो जाएगी एक सौ बटा एक सौ पांच इसलिए जब बढ़ा हुआ मजदूरी हमारा दो सौ दस यहां दिया हुआ है दो सौ दस रुपया है तो ये कितना हो जाएगा प्रारंभिक मजदूरी एक सौ बटा एक सौ पांच गुना दो दस तो ये एक सौ पांच से दो सौ दस दो बार में कट गया इसलिए हमारा प्रारंभिक मजदूरी कितना आ जा रहा है दो सौ रुपये